स्वागत है मेरे दोस्तों, स्वागत है नए फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हो टेक ब्लॉग। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अगर आप तत्काल टिकट निकालते हो, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्या हमें उसका रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी इस वीडियो में पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैंने IRCTC के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ बना के रखा हुआ है, अगर आपको वो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट दे देता हूँ। वहाँ पर मतलब यार अनगिनत है यार, मतलब एक टॉपिक को पकड़ के बना है। छोड़ो यार, देखना है देख लीजिएगा। बट यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तत्काल टिकट आपने निकाल दिए तो क्या आपको रिफंड के क्या रूल्स आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला चीज़ है, अगर आपने जब तत्काल टिकट निकाला है और वो कन्फर्म है, ठीक है, हालांकि आपको ये बात तो पता होगा, जो 10 बजे होता है वो 3AC होता है और जो 11 बजे होता है वो स्लीपर, ये तो सबको पता होगा। एंड इसके बाद अगर आपने जब कन्फर्म टिकट निकाला होता है, समझ लीजिए आपका जो तत्काल है किस्मत साथ दे दी। बट अगर आपको 50 सेकंड्स में तत्काल टिकट निकालना है ना, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया, वो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे देता हूँ, वो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे तत्काल टिकट है आपका कन्फर्म है एंड कन्फर्म सीट है, यानी सबको सीट दे दी है। तो यहाँ पे अगर इनकेस क्या होता है ना, सिचुएशन ऐसा होगा कि आपको टिकट कैंसिल करना पड़ गया, तो यहाँ पे आपको कोई रिफंड देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि पूरा पैसा डूब चुका है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, तत्काल टिकट वो भी कन्फर्म अगर आपको मिल जाता है तो यहाँ पे कोई भी रिफंड देखने के लिए नहीं मिलता है। बट इनकेस क्या हुआ, किस बात साथ नहीं दिए, वेटिंग लिस्ट आपका टिकट हो गया है, उसके बाद आप कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे जो सेम जैसे नॉर्मल होता है ना रिफंड कैंसिलेशन, वैसे ही आपको रिफंड इसमें आराम से मिल जाएगा। जैसे 60 रुपया लगेगा नॉर्मल 2S के लिए, 120 रुपये लगेगा स्लीपर के लिए, ऐसे ही 180 रुपये 3AC के लिए, ऐसे जैसे जैसा रेट है जो मालूम होगा आपको। एंड वो रेट जो भी है जैसे स्लीपर की तरह से कटता है, वैसे ही मैं एक डिस्क्रिप्शन पे कॉल लिंक दे देता हूँ, जो आपको पूरे कैंसिलेशंस को मैंने इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत ही आराम तरीके से मैंने उसमें भी बताया हुआ है, तो इतना समझ आ गया। बट यहाँ पे सीन हुआ पार्शियल कैंसिलेशन का, क्या सीन है, जैसे समझ लीजिए 4 लोगों का किया है, 2 कन्फर्म है, 2 वेटिंग लिस्ट है, तो जब आप 2 वेटिंग लिस्ट वाला कैंसिल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा फुल आपको अमाउंट, जो 2 फुल है उसका आपको कोई रिफंड देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो समझ आ गया इतना। और एक और चीज़ है, यहाँ पे बोनस पॉइंट देते जाते हैं, अगर आपने ऑनलाइन टिकट निकाला वो वेटिंग लिस्ट है, तो ये याद रखिएगा वो टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है जब आप जर्नी करने जाते हो। तो अगर आप कभी वेटिंग लिस्ट सोच रहे हो लेके मैं वो जर्नी करना, तो कभी भी काउंटर पर जाना, ऑफलाइन मार्केट यानी जो भी PRS की जो भी आपके आसपास काउंटर, वहाँ पर जाके आप काउंटर वाला टिकट लेकर ट्रैवल करो अगर वेटिंग लिस्ट में करना है तो। तो ये था मेरा बोनस पॉइंट, और काफ़ी सारे IRCTC रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देता हूँ, तत्काल से लेके A to Z रिफंड कैसे आता है, फेल ट्रांजैक्शन हो गया कैसे क्या, मतलब बहुत कुछ है। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो, कोई भी अंकल से यार ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।